हेलो लियो, लियो यानी सिंह राशि में सूर्य स्क्वायर ट्रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग, ये थ्री कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग होगी और 18 से 25 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मुनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और इसमें लियो हम देखेंगे सबसे पहले जो आपके पर्सन है वो आपके उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे आपके अपने पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सारी रीडिंग, ये सारा सब कुछ हम इसमें देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले लियो के आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स राइट नाउ। लियो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ वांड्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम सारी चीज़ें वापस मिलेंगे। यूनिवर्स जी आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका दे रहे हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आया सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि लियो उनसे दूर जाते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझ सकें, लोग उनको अच्छी गाइडेंस दे सकें, ताकि नए सिरे से इस रिश्ते में वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो इसमें सुख समृद्धि खुशहाली सारी चीज़ें वापस मिल सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि इसमें वो महसूस करें कि उन्हें नए सिरे से इसमें उन बाधाओं को, उन रुकावटों को छोड़कर जो इसमें उन्हें आ रही है, शायद अभी भी वो उससे परेशान हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए नए सिरे से उन्हें इस रिश्ते में मूव ऑन करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए भी ऐसा फील कर रही हूँ, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास क्या कार्ड आए हैं, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें, हालांकि वो इस रिश्ते को, इसको लेकर परेशान हैं, हार्टेड है, प्रॉब्लम में है, उन्हें लग रहा है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है, वो दुविधा और परेशानी में है। लेकिन उनके पास जो तीन कप पड़े हुए हैं वो उनको निहार रहे हैं, उनके पीठ पीछे जो दो कप हैं, जो प्यार है, जो प्रेम है, उसको देख नहीं रहे हैं। तो आपके पर्सन जो है महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उस प्यार को देखना चाहिए जो अभी उनकी लाइफ में है। अगर वो नज़रें घुमाएंगे, मदद लेंगे, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे, या परिवार फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे और नए सिरे से उन गिले सिकवे, उस प्रॉब्लम को, उस अकेलेपन को बुलाते हुए नए सिरे से एक ये एनर्जी नई हो सकती है, मैच्योर हो सकती है। लेकिन अगर नई एनर्जी एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई ताजगी के साथ एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करेंगे, पार्टीज़ में जाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो गिले सिकवे, जो प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से ये रिश्ता एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेगा। इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। तो वो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में, चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ हो या फिर उनके पार्टनर के साथ हुआ हो, लेकिन नए सिरे से वो इसमें गिव अप ना करते हुए एक नई सोच, एक नई ताजगी, एक नई उमंग के साथ उनका रिश्ता भले ही एक दूसरे के साथ कितने ही दिनों रहा हो, लेकिन एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, यंग एनर्जी से मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे और उस कन्फ्यूज़न, उस अकेलेपन से, उस वाद विवाद से, उस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे जो उन्हें परेशान कर रहा है, और नज़रें घुमाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे, तो ये रिश्ता एक नए सिरे से आगे बढ़ सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है।
तो ऐसा वो फील कर रहे हैं अब, या फिर हो सकता है कि जो लियो हैं वो अपने पर्सन के लिए ऐसा सोच रहे हैं। अब देखते हैं लियो आप क्या महसूस करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लियो आप में महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। भले ही एनर्जी नई है, इमैच्योर हो सकती है, लेकिन मैच्योर एनर्जी के साथ, यानी कि यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर इस रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, एक बिगनिंग शुरुआत करेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ लौट सकती हैं। तो आप अपने पर्सन के लिए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को। द मून, पेज ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं, नहीं लियो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस है, जो डरावने सपने हैं, अननोन फियर हैं, जो एक एक दूसरे के प्रति ये डर बैठा हुआ है कि वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई छल कपट है, कोई बाधा है, कोई रुकावट है, एक दूसरे के साथ चीटिंग, फ्रेप, धोखाधड़ी की जा रहा है रही है, तो इस अननोन फियर से, इस डरावने सपनों से अगर वो बाहर निकलते जो उनके खुद के बनाए हुए हैं, और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, अगर वो आमने सामने आएंगे, खुलकर बातें करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और पीसफुली शांति के साथ उन बाधाओं को, उन रुकावटों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग और एक शुरुआत करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो ये रिश्ता फिर से एक अच्छी शुरुआत के साथ स्टेबल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, कामयाबी मिल सकती है, एक अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में फिर से की जा सकती है, ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, लियो के पर्सन चाहते हैं कि वो अपने अंदर का डर बाहर निकाले, धैर्य रखें, शांति रखें, पीसफुली चीज़ों को हैंडल करें। अगर अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो फिर से ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, फिर से रिश्ता मजबूत बन सकता है। तो वो डरे नहीं, घबराए नहीं, पीसफुली चीज़ों को हैंडल करें, शांति रखें और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ऐसा आपके जो पर्सन हैं आपसे चाहते हैं कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आप आगे बढ़ें। द हाई प्रिस्टेस टू ऑफ वांड्स सिक्स ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि आप चुप रहें, मौन रहें, अपनी खामोश रहें, विस्टम नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी के साथ फायदे और नुकसान को देखें, और जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, अपनी विस्टम नॉलेज गेन करें, आप हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, और सही समय आने पर, सही समय का वेट और इंतज़ार करें, जब सही समय आए तभी आप इसमें धीरे धीरे करके एक्शन लें, ताकि और उन पुराने मेमोरीज़ को, पुराने क्षणों को, पुराने हिस्ट्री को, पुराने रिलेशन के को दोहराएं जो इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, सही समय का वेट और इंतज़ार करें, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। अगर पुराने मेमोरीज़ को, पुराने क्षणों को, उन यादों को, उन पलों को जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो उसके लिए अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इसमें वापस आ सकती हैं। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप अपने अंदर का डर बाहर निकालें और सही समय आने का वेट और इंतज़ार करें, ताकि रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो मदरली इस रिश्ते में हीलिंग करें,
मेडिटेशन करें ताकि प्यार से प्रेम से अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो ये रिश्ता प्यार और प्रेम के साथ फिर से आगे बढ़ेगा, फिर से प्यार और प्रेम इस रिश्ते में प्रैक्टिकल ये रिश्ता बनेगा, खुशहाली रिश्ता होगा। तो वो चाहते हैं कि चुप्पी और खामोशी के साथ अपना हीलिंग करें, मेडिटेशन करें और किसी को भी अभी इस रिश्ते के बारे में कुछ ना बताएं जब तक इसका सही समय सही वक्त नहीं आ जाता। इसको क्लैरिफाई करते हैं। लियो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, जो लग रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर है, तो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो जो ग्रह नक्षत्र हैं या फिर जो सेवन चक्रास हैं वो बैलेंस होंगे, जो बिखरे पड़े हुए हैं वो जो ब्लॉक्ड हो चुके हैं वो खुलेंगे और धीरे धीरे करके एक अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से प्रेम से चीज़ों को यूज़ करेंगे बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, और जो है पैशन और जुनून के साथ अपने काम को करते रहें लेकिन आपस में खुलकर बातें करें ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सके। यानी कि अगर लियो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया जाए, समय और वक्त दिया जाए और बजाय के इंसानों को यूज करने के प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, ताकि इन चीज़ों को यूज़ किया जाए ताकि जो भी कड़वाहट है, जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो और नए सिरे से इस ये रिश्ता एक नया मोड़, नया अंजाम ले और ये रिश्ता फिर से सोलमेट हो, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही इसका जो है राज खुले। जब तक इसमें ये रिश्ता किसी के सामने भी ना बताया जाए, जब तक सही वक्त सही टाइम इसका नहीं आ जाता। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, आप देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम क्या रह सकता है। द चैरियट, तो इसका आउटकम बता रहा है कि या तो लियो आप या तो आपके पर्सन या दोनों तरफ से ही आपने सोचा है कि इन डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिंड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप किए, बिना हार माने आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और 12 की 12 राशियां भी इस रिश्ते में आपका साथ देने वाली हैं, बुराइयों को ख़त्म करते हुए धीरज के साथ पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे तो ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसका आउटकम काफ़ी रीयूनियन की तरफ इशारा कर रहा है। अब इसको देखते हैं, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि हालांकि आपके पास लव में और ऑप्शन भी हो सकते हैं लेकिन वो भी आपको भ्रमित कर सकते हैं, माया जाल हो सकता है, तो उससे बचने के लिए रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए, धीरज से काम लीजिए और जब आपका और इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, इसमें स्टैंड लीजिए और एक दूसरे के साथ, वो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे के साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, चीयरफुल इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं तो इसमें एक इसमें गेट टुगेदर कीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए, पार्टीज़ कीजिए, एक दूसरे को अपनी बातें सुनाने का मौका दीजिए ताकि सही समय सही वक्त पर ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके और ये रिश्ता आगे स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। तो इसका जो है आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, काफ़ी इशारा कर रहा है कि ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़ेगा, 12 की 12 राशियां इसमें उस साथ देंगी। तो देखते हैं इसका जो है गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़।
लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है? सॉरी 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 भाई, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है? यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि अगर ट्रुथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्स ही आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। ये रिश्ता फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि आपको अगर इस रिश्ते में वापस आना है तो क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, खुलकर बातें करने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, तो चाहे लियो को दुख हो या लियो के पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आगे फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा। तो इसलिए यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि भले ही जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, भले ही आप एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना ट्रस्ट करना पड़ेगा, इतना विश्वास और भरोसा करना पड़ेगा कि ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सके और फिर से ये चीज़ें सही हो सकें और उस रिश्ते पर फोकस करें जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहे हैं। यानी कि अगर पैसा, प्रॉपर्टी इस रिश्ते में अड़चन बनी हुई है तो उस रिश्ते पर, उन चीज़ों पर पहले फोकस करें, लेकिन विश्वास के साथ इसमें आगे बढ़ें। और इसमें अगर आप परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली आ सकती है, सुख समृद्धि, नेम और फेम मिल सकता है। और हो सकता है कि जिसको पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही थी या उसकी वजह से अड़चन थी, तो कहीं किसी किसी को पैतृक संपत्ति भी मिलती नज़र आ रही है। तो ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें इससे मिलेंगी। अगर आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, क्लियर कट खुलकर बातों को साफ स्पष्ट कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।